मैं हूँ संगीता और आपका स्वागत करती हूँ मिस्टी की रसोई। और मेरे ब्लॉग चैनल का नाम है संगीता सुशांत ब्लॉग। और जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो बालों को लेके कुछ रेमेडी है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए आप लोग मेरे बाल कितने ही लंबे और कितने ही सिल्की और कितने ही मोटे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए आप लोग, मेरे बाल काफ़ी ही लंबे हैं और ये देखिए मेरे बालों में एक भी कंघी में मेरा एक भी बाल नहीं आ रहा। और जो टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैंने अपने ऊपर करके देखा है, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। और आप लोग भी देखिए, ट्राई करिए अपने ऊपर। और मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, आपके बाल बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत ज़्यादा डेंडर फ्री हो जाएंगे और आपके बाल की लेंथ जो है वो भी लंबी होने लगेगी। अगर आप लोग बहुत परेशान हो चुके हैं तो प्लीज़ इस चैनल में बने रहिए और मेरी इस छोटी सी वीडियो को देख के लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलो चलते हैं, जिस चीज़ से हमें अपने बालों को अच्छा करना है उसके बारे में हम चल के देखते हैं आगे। आप लोग मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। चलिए हम आगे चलते हैं और बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मेरे पास जो है, जो ये है एलोवेरा, इसका पौधा मैंने अपने घर में लगा रखा है। और इस पौधे को अगर आप भी अपने घर में लगाएंगे तो आपको फ्रेश एलोवेरा मिलेगा, क्योंकि जो बाज़ार में मिलता है वो इतना अच्छा नहीं होता जितना कि जो घर का होता है वो अच्छा होता है। और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप लोग इसे बालों में लगाएंगे तो आपके बाल झड़ना तो बंद होंगे ही, साथ में आपकी बालों की लेंथ भी बढ़ेगी, आपके बालों में जो डैंड्रफ है, ईचिंग है, वो भी ठीक होएगी। एक बार आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिए और मेरा विश्वास मानिए आप लोग कि हफ्ते में अगर आप इसे 2 या 3 बार लगाते हैं तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे और सिल्की हो जाएंगे। और मैं अपने बालों में यही हमेशा लगाती हूँ, आप लोग भी एक बार इसे ट्राई करिए। बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने लगाई होगी, बहुत सी चीज़ें आप लोगों ने खरीद खरीद के मेडिकल से दवाइयाँ ली होंगी, लेकिन कभी भी आपको कोई नेचुरल चीज़ें नहीं बताएगा। और जो कोई बताएगा भी तो आपका पैसा भी खराब करवाएगा और उसके अंदर कम से कम आपको कुछ नहीं तो कुछ नहीं 2 से 3 चीज़ें डालने के लिए बताएगा। लेकिन मैं आपको सच बताती हूँ, आप इसको लीजिए और अपने बालों को साइड करके, बालों की जैसे जैसे हम लोग बालों को झाड़ते हैं या फिर बालों में से जुआ निकालते हैं ना, उस तरीके से बालों को मांग खोल के और इस तरीके से इसको लगाना है। आप लोग मेरा विश्वास मानिए कि आपके बाल तो झड़ने बंद होंगे ही, साथ ही आपके बालों में बहुत शाइनिंग आएगी। और आपके बाल जो पहले से बेजान थे, सूखे थे, जिसमें कोई चमक नहीं थी, वो भी आपके बालों में आएगा। एक बार आप लोग जो मैं आपको ये बता रही रेमेडी, इसको एक बार आप लोग जरूर यूज़ करिए, क्योंकि इसमें आपको कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। ये नॉर्मल सी बात है, सबके घर में इसका पौधा होता है। और आप लोग हफ्ते में 2 से 3 बार इसे लगाइए और आप इसको 1.5 घंटे के लिए अपने बालों में रख के छोड़ दीजिए। 1.5 घंटे बाद आप लोग अपने जो सा शैम्पू आप लोग यूज़ करते हैं वो शैम्पू लगा लीजिए और शैम्पू करके आप अपने बालों को देखिए कि आपके बाल सच में इतने मुलायम और रेशमी हो जाएंगे कि आप लोग कहेंगे कि हाँ कि कुछ है इसके अंदर। तो आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो भी मेडिकल से चीज़ें खरीद खरीद के बालों में लगाते हैं, आपके बाल अच्छे नहीं होते हैं और लोगों की बातें सुनते हैं, बहुत सी चीज़ें लोग बाग बताते हैं यूट्यूब पे भी, तो आप लोग उस चीज़ों को ट्राई कर लेते हैं। लेकिन एक बार इसको भी एक बार आप लोग लगा के देखिए और देखिए कि आप लोगों के बाल कितने अच्छे हो जाएंगे। आप लोगों को मैंने दिखाया नेचुरली मेरे बाल इतने लंबे हैं और मैं इसे हमेशा अपने बालों में लगाती हूँ, हफ्ते में 2 बार लगाती हूँ। और मेरे पास एक ट्रिक और है आपके लिए,
अगर आप लोग बालों में मेहंदी लगाते हैं तो आप लोग जो नया हर्बल मेहंदी आती है उसको आप जब घोलते हैं तो उससे पहले आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको कट करके आप मिक्सी में इसको पीस के और मेहंदी में मिला के लगा सकते हैं। अगर आप लोग इस दोनों चीज़ों को मिला के अपने बालों में लगाएंगे तो मेरा विश्वास है आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ आपने कुछ हमें बताया था वो बहुत ही अच्छा था। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसी ऐसी ट्रिप्स आपके लिए लेकर आऊँगी कि आप लोग अगर यूज़ करेंगे अपने ऊपर तो वाकई मेरा विश्वास मानिए कि आप लोग कहेंगे कि हाँ कुछ तो है ऐसा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।